में बात करता था टाइप्स ऑफ शेयर की, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, डिविडेंड जो होगा उसको दिया जाएगा कब, प्रीफरेंस वालों के बाद, या और इनके पास वोटिंग राइट का अधिकार होता है। अगर हम प्रीफरेंस की बात करें, ये सारी चीज़ नहीं होती। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है और इसको डिविडेंड जो मिलता है इक्विटी से पहले मिलता है, और इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। एक होता है कम्युनिटी और दूसरा होता है नॉन कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब कंपनी जहाँ पर प्रॉफिट को इकट्ठा करके तब जाके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। नॉन कम्युनिटी जहाँ पर प्रॉफिट इकट्ठा नहीं करती है। पार्टिसिपेट, अगर कंपनी के पास हैवी प्रॉफिट होता है अगर वो पार्टिसिपेट करे, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर का होता है जहाँ पर कंपनी हैवी प्रॉफिट को पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। कन्वर्टेबल जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल जिसको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रिडीमेबल जिसका एक सर्टेन टाइम के बाद क्या करना है, रिडक्शन करनी है। इररिडीमेबल जिसका आपको रिडक्शन नहीं करनी है, बट हमारे इंडिया में 20 साल